तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ हमारे चैनल को लेके कि यार थोड़ी सी वीडियोस लेट हो सकती हैं, बट कोशिश करेंगे हफ्ते में एक वीडियो तो ज़रूर आएगी ही आएगी। और अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज किस नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस के टॉप 5 पोकेमॉन्स जो कि उसने कैंटो में पकड़े थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो पोकेमॉन से मैंने मेरे ओपिनियन से डाले हैं, अगर आपका कोई भी फेवरेट पोकेमॉन इसमें मिस हो गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार जाके जल्दी। और थैंक यू यार, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया और लाइक गेम भी कंप्लीट करा दिया। तो आज की इस वीडियो में भी हम 5 लाइक्स का एम रखते हैं और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स भी कर देना यार। तो नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है वो है स्क्वाडल। अब यार स्क्वाडल को कौन नहीं जानता, मतलब इसकी स्क्वाड तो यार कतई धांसू थी। और अगर ये पोकेमॉन है इसका वाटर टर्टल या फिर ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो जाता तो कतई तबाही मचा सकता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। और जिन जिन का ये पोकेमॉन फेवरेट है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। वैसे इस पोकेमॉन का अलग ही लेवल था और इसका फैन बेस भी अलग ही लेवल पे है। तो बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 आता है हमारा और आपका सबका प्यारा बल्बसोर। और बल्बसोर एक बहुत अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन है और इसकी फेम बहुत अच्छी है और इसका फैन बेस तो अलग ही लेवल पे है यार। मतलब यार ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन अपने फाइनल एवोल्यूशन या फिर सेकंड एवोल्यूशन में भी पहुंचता ना यार तो ये बिल्कुल तबाही मचा सकता था। एकदम से वक्त बदल सकता था, जज्बात बदल सकता था, सब कुछ बदल सकता था। ये पोकेमॉन मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, अगर आपका भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ ब्रो। नंबर 3 पे आता है एश का पिजोटो जो कि बहुत अच्छा पोकेमॉन था यार। ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था और ये बहुत शानदार पोकेमॉन था एश का। और एश ने इसको रिलीज कर दिया था लास्ट वाले एपिसोड में जो कि बहुत इमोशनल एपिसोड था और बहुत बढ़िया था। और उस एपिसोड में लीव करते टाइम ही हमारा पिजोटो इवॉल्व हो जाता है पिजोट में और एश उसकी राइड भी करता। भाई वो वाला सीन लिटरली बहुत अच्छा था। और आपको कैसा लगा वो एपिसोड भी मेरे को बता देना कमेंट्स। और पिजोट को रिलीज करते टाइम एश पिजोट से वादा करता है कि वो उसे लेने वापस आएगा, पर इतने सारे सीजन जा चुके हैं पोकेमॉन के पर फिर भी एश को याद ही नहीं है कि उसने एक पिजोट भी पकड़ा था। आपको क्या लगता है पिजोट के बारे में यार, इस थ्योरी के बारे में? और पोकेमॉन कंपनी तो पिजोट के बारे में भूल ही चुकी है, वहीं जितने भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जो एश ने पकड़े हैं उनमें सबसे बेस्ट मेरे को पिजोटो ही लगा या फिर पिजोट लगा यार। इस पोकेमॉन ने बहुत हेल्प करी है एश की। तो नाउ बात कर लेते हैं हमारे टॉप 2 पोकेमॉन की जो है चार्मेंडर। मेरा कहने का मतलब है चार्लिजार्ड। यार चार्मेंडर एक इतना अच्छा पोकेमॉन था इसका जो कि हमें दिखाया गया था कि इसका ट्रेनर इसे छोड़ के चला गया था और इसकी आग भी बुझने वाली थी, पर वहीं हमारा एश जाके इसको बचा लेता है और इनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है। बट जैसे जैसे वो एवॉल्व होता जाता है, जैसे वो चार्मेंडर से चार्मेलियन में जब एवॉल्व होता है तो वो एश की बात थोड़ी थोड़ी मानना कम कर लेता और चार्लिजार्ड में तो बिल्कुल ही नहीं मानता था, पर धीरे धीरे वो मानने लग गया और बहुत अच्छा पोकेमॉन बन चुका है एश का। तो अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 पोकेमॉन की। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है पिकाचू को। मानता हूँ ये पोकेमॉन एश ने नहीं पकड़ा था, ये पोकेमॉन एश को दिया था प्रोफेसर ओक ने एज अ स्टार्टर पोकेमॉन। और ये पोकेमॉन शुरू शुरू में एश की बिल्कुल नहीं मानता था, बट धीरे धीरे इनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया और इन्हें बहुत सारे मिलके पोकेमॉन्स भी पकड़े और ये बेस्ट पोकेमॉन है यार। और इसके बारे में मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, जितने भी लोगों ने पोकेमॉन देखा है उनके फेवरेट पोकेमॉन्स में से एक है पिकाचू। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।